हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं संचिता, अनकर संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। पता है, बहुत परेशान हूँ, मतलब इतना परेशान कि मैं बता नहीं सकती। अरे बाप रे, मैं हिल भी नहीं सकती अच्छी तरह से। ये मेरी बड़ी बेटी और और इसको तो आप सब जानते हैं, मिस्ट्रियस मम्पी। सब कोई जाके सर्च करो मिस्टीरियस मम्पी को। प्रमोशन हो रहा है मेरे हाँ। चैनल का, और ये चैनल का इसका चैनल है, बट मैं प्रमोशन अभी नहीं कर सकती। अभी मुझे पैसे नहीं मिले प्रमोशन के। जिस दिन मुझे इसने पैसे दे दिए, मैं प्रमोशन कर दूंगी। बहुत फेमस चैनल है। अब कुछ बाइक बताओ भाई, वैष्णो माता का कुछ बताओ। कुछ नहीं, बहुत मजा आया। मजा आया, गले की आवाज से पता चल रहा है बहुत मजा आया। यस, इसका नाक कैसे लाल हो गया देखो। देख रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे और मेरे स्पेशल ग्लो, और हम लोगों का फेस देखो, हम लोगों का कलर देखो। ये सोती को कत बेसी ग्लो করছে এইটাতে। ये हम लोगों का कलर, और हम लोग इसलिए समझ रहे होंगे कैसे खाते, इसलिए हम सफेद सुअर की तरह लग रहे हैं इस फोटो। सफेद सुअर। पता है कल वैष्णो माता गए थे और उतरे वहाँ, इधर इतना ज्यादा मतलब परेशान हुए, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बता नहीं सकते। बहुत दर्द है हाथ पैर में, बहुत दर्द है ना, बहुत हाथ पैर में दर्द है। पता है रात को आए हम लोग 4 बजे, और वहाँ पर दर्शन तो बहुत अच्छी तरह से हुआ, बट हमें बहुत मतलब क्या बताऊँ, जान बचा के हम लोग वैष्णो माता से आए हैं। और कितनी जो परेशानी हुई ये मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और ये मम्पी हंस रही है, आपको पता है जहाँ पर मतलब 1250 रुपये का घोड़े का रेट है, हम लोगों ने 2000 दे के एक्स्ट्रा दे के हम लोग पेट करके आए। इतना ज्यादा मतलब वहाँ पर है, वहाँ पर ना क्या हो गया, कल मौसम खराब हो गया अचानक से, और आप लोगों को पता है बाहर जो पहाड़ में अचानक से मौसम चेंज होता है, तो वहाँ भी ऐसा हो गया, ओले पड़ने लग गए, बारिश होने लग गई। फिर ऊपर में रात को 10 बजे से उन्होंने अनाउंस करना शुरू किया, दर्शन करो और फटाफट रात को ही नीचे निकलो, क्योंकि यहाँ पर इतना भीड़ मत रखो। फिर हम लोगों ने भर सच में ही फटाफट हम लोगों ने दौड़ भागना शुरू किया कि नहीं उतर जाते दरामी पूछा वो। अभी देखो जाने की ये पैकिंग हो रही है, करना है सब कुछ। बैठे हैं यहाँ पर होटल के रूम में, लाइट बैठे तो नहीं है, सब लेटे हुए हैं। लैंडस्लाइड जैसे बारिश का बहुत सारा मौसम था, ऐसे कर दिए। খুলে দিচ্ছি এগুলো সব আমার। मैंने एक बेटी का टी शर्ट पहन लिया सुबह से, यार परेशान कर दिया, मेरा टी शर्ट खोल दो, मेरा टी शर्ट खोल दो। मैं रात को आई थी, थक गई थी, मैंने जो सामने मिला वो पहन के मैं सो गई। तो इन्होंने सुबह से मुझे परेशान करना, मम्मी टी शर्ट खोल दो, टी शर्ट खोल दो। कैसे लोग मतलब जिंदगी क्या है। और मैं तेरे को अपनी बेटी से बर्खास्त कर रही हूँ, और इसको मैं अपॉइंट कर रही हूँ। दिया मुझे कहानी वैष्णो माता की, नहीं सुनाने दे रहे। आप लोग भी वैष्णो माता जाओ, घूम के आओ, माता के दर्शन करो।
बहुत अच्छा लगेगा, मन बहुत अच्छा लगेगा वैष्णो माता में जाके, क्योंकि माता हम लोगों को बुलाती है तभी हमें मौका मिलता है जाने का। অতই দাম এই এই যে তোর একদম পুরো আছে। হ্যাঁ এই যে বডি কেয়ার এর রে, বডি কেয়ার এটা কিসের দা? সুইট ড্রিমস আর বডি কেয়ার এর ছাড়া তো কিনি না, এগুলো তো রে কি রাখুন। বাট বহুত পরেশানি, বহুত পরেশানি, মতলব হাত পেট ইতনি দর্দ হয়। রাত কো মুঝে ওয়াহাঁ পর হি বুখার আ গিয়া, ইতনি ঠান্ডি, ওলে গিরে, বরফ, মতলব ক্যা ডিজাস্টার জো ওয়েদার চা না মানে ক্যা বাতাও। আরে মা এটা কুচারটা শুরু করবে, আমি তারপরে জামাটা বের করব, এই যে শুরু করে ব্লগিং শুরু করব। ওয়েদার মতলব পরেশানি হে, ক্যা বাতাও। করতে হবে ব্লগিং শুরু করে দিলো। হ্যাঁ আচ্ছা, নেই আর বন্ধ নেই হোগা, মুঝে অভি প্যাকিং করনা হ্যায়, মে অভি থোড়ি দের মে আ রহি হুঁ। मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों से बात करूंगी, इनका कर देती हूँ। ये सत्यानाश बच्चे जो हैं, इनको करके मैं अभी आती हूँ। बच्चे जिंदगी में इंसान के नहीं होने चाहिए, दो चार कुत्ते के बच्चे पाल लो। कभी गलती मत करो। तो देखो तो उस टाइम मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि ये लोग इतना बात कर रहे थे, तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हम विष्णु माता से उतर गए, उतर के रात को फिर 4 बजे हमने होटल बुक लिया, सो गए। बहुत परेशानी से हम लोगों ने होटल में आए, बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं है, घर में बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए सब यहीं पर है, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू इसमें नहीं करूंगी, ये वाला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं मेरा ये वाला लुक का ब्लॉग आएगा उसका, वो अलग आएगा, ये नया दूसरा ब्लॉग आएगा, और वैष्णो माता का एक ब्लॉग आएगा। और मैं आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करूंगी, जो भी वैष्णो माता आ रहे हैं, आजकल वैष्णो माता का एक ऐप है, उसमें आपको दर्शन बुकिंग से लेके पूरा जो यात्रा बुकिंग और उसके बाद जो अर्धकुमारी से लेके जो कार्ट है, कार्ट की बुकिंग, हेलीकॉप्टर की बुकिंग, और उसके बाद जो ये है इसको क्या बोलते हैं, अरे जो हेलीकॉप्टर है, फिर वो ऊपर से रोपवे है, हर चीज़ की बुकिंग उसमें अवेलेबल है। तो अगर आप लोग आते हो तो प्लीज़ ये सब बुकिंग करके आना, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। और इस टाइम सीजन चल रहा है, बहुत भीड़ है, प्लान करके आइए। और बाकी जो डोलू है और प्रैंक है बच्चों के लिए और घोड़ा है, उनकी बुकिंग तो ऑन द स्पॉट होता है, होटल बुकिंग भी होता है, ऑनलाइन में करके आइए। तो यही मैं बोलना चाहूँगी, हम लोगों के साथ बहुत परेशानी हुई, माता का दर्शन तो हो गया, उनका आशीर्वाद मिल गया हमें, बट परेशानी हमें बहुत हुई है, ये झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बारिश हो रही थी। और हाँ, इस मौसम में अभी अगर आप लोग आते हो पक्का ठंड के कपड़े लेके आना, ज़बरदस्त ठंड है, ऊपर नीचे नहीं है, नॉर्मल है, देख रहे हो मैं कैसे कपड़े पहनी हूँ, तो ऐसे वेदर है, बट ऊपर में बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ओले की बारिश भी हो रही है और साथ में मौसम कई बार बिगड़ रहा है, तो बहुत परेशानी हो रही है। तो जब भी आप लोग आओ तो ये सब प्रिकॉशन लेके ही वैष्णो माता आइए, नहीं तो बहुत हरासमेंट होती है, हम लोग तो बहुत हरासमेंट के शिकार हुए हैं। मतलब मुझे लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि रूम में आ ही नहीं पाएंगे, इतना मुश्किल, मतलब बच्चों के साथ बीमार भी हो गई, मुझे बुखार आ गया, शुगर फॉल हो गया, मेरा बीपी लो हो गया, मतलब ऊपर जाके ना मुझे काफ़ी सारी तकलीफ हुई, और उन सब तकलीफों से मैं बहुत दवाई भी खाया, और फिर आते टाइम हमने घोड़े की बुकिंग किया, डबल मतलब डबल हमने पैसे पे किए, वैसे उनका 1250 रुपया रेट था, हमें ऑलमोस्ट 2500 रुपया देना पड़ा, तो हम 6 जने थे, आप लोग सोच सकते हो कितना रुपया हमें देना पड़ा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर मेरा ब्लॉग आप लोग अच्छा लगता है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। बाय मेरे फ्रेंड्स, सब लोग मेरे साथ रहिएगा, ध्यान से रहिएगा।